देखो बेटा, तुम अपने बारे में जो कुछ भी जानती हो हम लोगों को पूरा बताओ, तभी हम लोग तुम्हारी कुछ सहायता कर सकते। हमारा घर राजस्थान सरहद से 100 किलोमीटर दूर सरायमीर नाम के एक गांव में है। हमारे चाचा लखनऊ में ही रहते हैं। हम यहाँ अपने चाचा के लड़के सुल्तान भाई के निकाह में शरीक होने आए थे। बारात लेके बस से जा ही रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। उसके बाद शायद आपको किसी ने महिला आश्रम पहुंचा दिया, जहां से एक गुंडा आपको खरीद लिया। आप उस गुंडे के गिरफ्त से भाग निकली, वहां से भागते भागते हमसे टकराई। हम दोनों करीब आए, फिर शादी के बंधन में बंध गए। उस शादी को हम शादी नहीं मानते। अगर हमारे कदम बड़े भी होंगे तो अनजाने में, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारी नजर में आपके और हमारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं, तो बेहतर होगा कि आप सब कुछ भूलकर हमें हमारे वतन पहुंचा दीजिए। साथ फेरा लेके आपके हर सुख दुख में साथ निभाने का कसम खाए हैं। यकीन मानिए, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। पहले ये बताइए कि लखनऊ में आपकी चाचा जान रहते कहाँ हैं? उस मोहल्ले का नाम गोमती नगर है। चाचा के मकान का नंबर मुझे ठीक से याद नहीं, पर मेरे चाचा का नाम यूसुफ खान है। सलीम, तू अभी लखनऊ जा और इनका चाचा के बारे में पता लगाओ। ठीक बा भाई। बाबूजी, हम भी जाके कमिश्नर साहब के सिचुएशन के बारे में बताए थे। ठीक बा बेटा। ठीक बा अर्जुन, चला। डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब आप बताइए कि हमारे घर में रहना पसंद करेंगे या फिर कहीं और व्यवस्था करें। ये तो का कह रहा बाड़ा बबुआ, ये भले हमके अपन साथ स्वीकार ना करें, पर हमरे खातिर ये आज भी हमार पतोह बिया, और फिर हमार घर के आंगन इतना तंग निके कि हम अपन घर की इज्जत ना संभाल सके। एक बात सुन लो, ये अपने घर चली। ना मत कहना बेटी, तुम्हारी याददाश्त वापस आकर तुम्हें तुम्हारी पहचान तो मिल गई, लेकिन साथ साथ हमारे घर की खुशियां चली गई। ना मत कहना। आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आप जहां कहेंगे हम वहीं रहेंगे। अच्छा बेटी, हाँ संभाल के। हाँ उस्ताद, रघु अंदर चली, हम गाड़ी लगा देता नहीं। जा जा के पढ़ाई कर, जा। बेटी, ये तुम्हारा कमरा है, आराम करो जाके। संभल के जाना। ये गहने रख लीजिए, अब ये मेरे कुछ काम के नहीं माँ जी। बेटी की दूसरी शादी करेंगे तो ये गहने काम आ जाएंगे। नहीं बिटिया नहीं, ये सब तो सुहाग की निशानी है बिटिया, और इन सबको इस तरह से शरीर से नहीं उतारा करते। लेकिन दीजिए, हमारे यहां शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं। इसे संभाल कर रखेंगे ताकि जब जब इसे देखें एहसास होता रहे कि हम शादीशुदा है। ये तो का कर ले बेटा। वो है जवनु चाह लिया, जब उनका कुछ यादें नहीं के तो फिर फालतू में उनका ऊपर रिश्ता के बोझ डाले के क्या मतलब। एक बात बतावा बेटा, ओकरा बिना तू जी पाईबा?
जी के बड़ी माई तू ही ना कहे लो इंसान दुनिया से जीत सकेला लेकिन अपनी किस्मत से ना। हमारा मुकद्दर में शायद इतना ही दिन के साथ निकल रहे और आप लोगों से भी नहीं हो रहा बा। क्यों हमने के घर में जितना दिन बाड़ी उतना दिन घर के ऐसा माहौल बना के रखा जाना से उनके तकलीफ ना होके। धन्य बड़े बेटा जौन अपने अरमान का कला खोट के इंसानियत का धर्म निभा रहा बाड़े। भगवान हर जन्म तुके हमार बेटा बनावे। इनके चाचा के पता तो भेटा गईल लेकिन वो पता पे केहू मिलल ना। आस पड़ोस से पता लगल कि इनकर चचेरा भाई के बारात में जौन एक्सीडेंट भइल रहे वो एक्सीडेंट में केहू बचल ना। इनकर अम्मी अब्बू भी पाकिस्तान से एहिजा आकर के कुछ दिन खोजबीन कैले लोग ओकरा बाद बेरंग लौट गई लोग। बताइए ना भाईजान बात क्या है। भाभी जान आपने सही कहा था उस एक्सीडेंट में आपके चाचा का पूरा परिवार खत्म हो गया। आपकी यादाश्त वापस आकर हमसे आपका आंसू पोछने का अधिकार भी छीन लिया। हम तो बस इतना कहेंगे कि संभालिए अपने आप को। जैसे पहचान मिल गई है तो एक ना एक दिन आपके अपने भी जरूर मिल जाएंगे। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।